हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का तो नहीं बोलेंगे। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, नहा करके हेयर वॉश किया है, सोचा कि कंघी भी कर लेते हैं साथ के साथ। वो तो मैं करती हूँ हमेशा से ही, मैं हमेशा से ना गीले बालों में ही कंघी करती हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। जबकि बोलते हैं कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, पर मुझे आदत बन चुकी है जिसको मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो अभी बाल कंघी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आसानी से सुलझ जाते हैं बाल। अगर उलझे हुए हैं तो वो सुलझ बहुत अच्छे से जाते हैं। अगर बाल सूख जाते हैं तो फिर मुझसे ना सुलझते ही नहीं हैं, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो अभी यहाँ पर बाल तो लगभग मेरे कंघी हो गए हैं और बाल ना गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी सभी बालों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूंगी और यहाँ से जो मेरे ये बालों पर लगाया हुआ था कपड़ा टॉवल टाइप का, इसको मैं उसको मैं रख दूंगी, मतलब सुखा दूंगी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। साथ मैंने ना हरी मिर्च प्याज और लहसुन और क्या था, हरी मिर्च प्याज लहसुन, हाँ ये तीनों चीज़ें मैंने अदरक वाला जो होता है उसमें कूट ली है। और पहले गोभी को ना मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था काफ़ी देर तक, क्योंकि ना वैसे गोभी बहुत साफ़ थी पर मन का जो वहम है ना वो निकल जाता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, गर्म पानी में डाल के रखती हूँ गोभी को और फिर मैं उसको अच्छे से 3 से 4 बार धुल करके फिर मैं इसमें डालती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। आप देख सकते हो मसाले डाल दिए हैं, आपस में मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अनुष्का का व्रत है, अनुष्का के पापा जी घर पर खाना खाते ही नहीं हैं और ये मेरे लिए सब्ज़ी और मेरे लिए ये ज़्यादा है। और मैंने इसलिए ज़्यादा बनाई है कि मैंने सोचा कि मेरे दोनों टाइम के लिए ही हो जाएगी, क्योंकि ना वैसे तो ताज़ा ही अच्छी लगती है पर यह है कि फिर एक आलू और इतनी सी जरा सी बिल्कुल गोभी की क्या ही सब्ज़ी बनाना। मैंने कहा चलो एक साथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगी हुई है भूख, नहाने के बाद ना मुझे भूख लगती ही लगती है, मुझे बहुत तेज वाली भूख लगने लगती है नहाने के बाद। अगर मैं नहाऊँ, चाहे मैं कितनी ही लेट नहाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जैसे ही मैं नहा करके आऊँगी मुझे फटाफट से भूख लगाएगी। तो अभी सोचा कि चलो फिर बाल वगैरह कंघी भी कर लिए हैं और बाल जैसे धुले हैं उसके बाद कंघी करने के बाद ना बड़े ध्यान से खाने की तैयारी करनी पड़ती है, कोई भी बाल हाथ वगैरह पर ना रह जाए और कभी आटे में सब्जी में किसी में लग ना जाए, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैंने अच्छे से हाथों को साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की और आटा लगा रही हूँ। और आटा ना मैं इस कढ़ाई में ही लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से आटा लगाना, तो सही रहता है इसमें जब मैं लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर लगभग आटा भी मेरा लग गया है, थोड़ा सा आटा लगना था तो लगा दिया। और उधर मैंने अनुष्का के लिए आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि उसको ना आएगी वो स्कूल से तो उसके लिए आलू फ्राई करके या फिर जो भी वो बोलेगी कचौड़ी या पकौड़ी जो भी बोलेगी वो मैं उसके लिए फटाफट से बना दूँगी। इसलिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आलू ना बॉईल करके रख लूँ, क्योंकि ना फिर थोड़ा सा आलू बॉईल करने में टाइम लगता है, फिर तो ना चीज़ें गर्म ही बना करके खाई जाती हैं। तो जब वो आएगी जो जैसा बोलेगी वैसा मैं कर दूंगी। तो अभी वहाँ पर खाने की तैयारी कर दी है, सब्जी बन रही है, सोचा कि तब तक बैठना क्या, इन आलुओं को ना छील लेते हैं, क्योंकि छील कर तो मुझे रखने ही रखने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ छील लेते हैं। पानी पूरा मैं इसका उसमें डाल आई हूँ, क्या बोलते हैं, सिंक में, और आलू थोड़े से गर्म भी हैं, मैंने ठंडा पानी नहीं डाला है। अगर ठंडा पानी डाल लेते हैं ना तो पता नहीं क्यों आलू अजीब से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ठंडा पानी तो इसमें डाला नहीं है। और बस ऐसे ही आलू ले आई हूँ, गर्म है थोड़ा सा पर फैन चला लिया है, जल्दी से इसकी हवा भी निकल जाएगी क्योंकि अब ना थोड़ा सा मौसम भी होने लगा है। और अभी आगे आगे जैसे सर्दी आएंगी ना फिर तो पानी ठंडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जरा सी देर में चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। तो अभी यहाँ फटाफट से छील लेती हूँ आलू, और आलू छील करके ना इस भगोने इसको कुकर को भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना मुझे बड़ा वो लगता है कुकर जो होता है उससे बहुत मुझे आलस लगता है साफ़ करने में, तो इसको साथ के साथ मैं साफ़ करके रखूँगी। अभी यहाँ पर मैंने बना ली है कूटू की कचौड़ियाँ, अनुष्का के लिए मैं व्रत वाला खाना तैयार कर रही हूँ। और मन तो मेरा भी था कि चलो मैं भी रह जाती हूँ, दोनों हैं दोनों एक जैसा खाना बना लिया करेंगे, लेकिन पता नहीं कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने देते हैं, अगर बीच में चीज़ें छोड़नी पड़े उससे अच्छा है कि पहले से ही हम अपना
मन बना लें कि हमें करना क्या है। तो फिर मैं नहीं रही थी व्रत, और अनुष्का व्रत रही थी, ये रहती है। फिर मैंने ना इससे बोला भी नहीं कि नहीं, क्योंकि ना उसका मन है तो उसको रहने देते हैं, तो उसको रहने दिया। और देखिए कितनी गरम गरम फूली फूली करारी करारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं। ये मैंने उसके लिए सब्जी बना दी है, आलू टमाटर और हरी मिर्च डाल करके, और इधर मैंने रायता बना दिया है उसके लिए, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हैं। उसका खाना आज का हो गया है तैयार, और व्रत वाला खाना भी ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने ना पर्दे धुले थे, तो ये दो पर्दे मैंने कल धुले थे, दो मैंने आज धुले हैं। मैं मतलब दो दो में ये दो जगह है ना, तो ये चार पर्दे हो गए हैं दो दो करके, तो मैंने एक साथ नहीं धुले थे। मैं धीरे धीरे धुल लेंगे, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, तो अभी काफ़ी टाइम है, सफाई आराम से होती रहेगी। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके, और इसी वजह से मैं पहले से लग जाती हूँ, जैसे कि अभी दीपावली आने वाली है, बहुत त्यौहार आने वाले हैं, तो मैं इसीलिए पहले से लग जाती हूँ, जिससे कि ना फिर कोई भी जल्दबाजी ना रहे, और आराम आराम से मैं एक एक दिन में एक एक काम अपना निपटा लूँ। तो इसीलिए अभी यहाँ पर पर्दे भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए, जो भी पर्दे थे। और फिर इन पर्दों को डालने के बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा सुबह वाला। अभी देखिए धूप हल्की सी निकल आई है, आप देख सकते हो, सोचा कि चलो अभी डाल देते हैं, और दो घंटे में ही आराम से सूख जाएंगे, फिर इनको उतार के ले जाएंगे। कि धूप ना अभी तेज़ निकल रही है, कुछ दिनों से तेज़ ही धूप निकल रही है, तो सोचा कि ना इतनी ज़्यादा तेज़ में ना फिर कलर वगैरह भी ख़राब होने का वो रहता है। और मैं बंदर देख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बंदर आने लगे हैं, मुझे डर था कहीं मेरे पर्दे हैं इनको ना फाड़ दें, बेकार ना कर दें, और कर देते हैं, है ना। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है कि हाँ वो कर देते हैं। तो सोचा कि देख लूँ, थोड़ा सा नज़र घुमा लूँ, इधर उधर कहीं बैठे हुए तो नहीं है, अगर इधर उधर ही बैठे होंगे पास में तो मैं यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखूँगी, पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने उधर भी देख लिया, इधर भी, चारों तरफ मैं देख करके आ गई थी। सोचा कि चलो नहीं है तो फिर झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू भी मैं साथ में ही लेकर के आ गई थी, जिससे कि साथ के साथ मैं झाड़ू भी लगा लूँ और इधर मैं पर्दे भी सुखा दूँ। और एक गोसा रखा हुआ है, अनुष्का पूजा करती है उसके लिए ना, सुबह अंगारी होती है बोलते हैं, धूप जो करते हैं वो होती है, तो इसी में से थोड़ा सा ले जाती हूँ तोड़ करके, और फिर मैं वो कर देती हूँ उसके लिए तैयार, क्योंकि व्रत बेशक वो रह रही है, बच्ची है, चीज़ें हमें ही तैयार करके देनी पड़ती हैं उसके लिए, क्योंकि वो खुद से तो नहीं कर पाती है, तो वो चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें खुद ही कर लेते थे, ये तो सबके साथ है, हमारे साथ, हमारा किसी ने किया, हम इनका कर रहे हैं, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगा ली, और मैं इधर देख रही थी दूध वाले भैया जो दूध लेकर के आते हैं ना, कहीं वो आ ना जाएँ और आवाज़ ना लगाते रहें, क्योंकि इधर की साइड में आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, ये दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड है, जो हम इधर कर, एक इधर गेट है घर के, एक उधर है, तो वो और ये दोनों दूर पड़ते हैं, और जब इधर से निकल कर इधर की तरफ आ जाओ तो अगर कोई गेट पर है तो पता नहीं पड़ती है, आवाज़ का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैं ये इन्वेटर की साइड में ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर गंदगी सी दिखाई दे रही थी, सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो अभी इसको साफ़ करूँगी, देखूँगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। पहले तो मैं इधर पौधों की साइड में ही लगा लूँगी, सूर्य भगवान जी निकल आए हैं, उनकी वजह से ना मैं धुंधली धुंधली दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ से सीधा धूप पहले हमारी किचन में और इधर ही आती है, तो थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। अभी यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू, इधर से मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, सोचा कि चलो झाड़ू भी लगा लेते हैं फटाफट से। और झाड़ू लगाने के बाद फिर घर के जो काम हैं वो भी चलते रहेंगे, जो भी हैं अभी चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे धीरे धीरे करके। अभी तो सुबह का टाइम है, तो काम करने की तो भरमार है, कितना ही काम कर लो, कितना ही करते रहो, है ना, वो तो चलते ही रहेंगे। अभी मैं इधर की साइड आ गई, और आजकल ना जाले भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा जाले लगते हैं। एक दिन अगर हम जाले साफ़ ना, जैसे कि आज हमने साफ़ किए हैं, कल देखेंगे एक आधा जाला तो नज़र आ ही जाएगा, उससे अगले दिन और भी ज़्यादा, उससे अगले दिन तो ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने कितने दिन से जाले साफ़ नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में ये होता है, अभी जैसे धान वगैरह की फसल आ रही है ना, तो उस टाइम पर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि धान के टाइम पर ना अजीब अजीब से वो होते हैं, भिनगा भिनगा से छोटे छोटे वो भी बहुत आते हैं, जो कि आजकल आ रहे हैं, लाइट जलाते ही वो आ जाते हैं, और ना वो फिर पता नहीं क्यों जाते ही नहीं हैं। तो मैंने तो आजकल ना लाइट इधर की साइड की अंदर की जलाना ही बंद कर रखी है,
क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी लाइट लग गई है हमारे घर के सामने, तो उसका उजाला हमारे बरामदे में आराम से आता है। और ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आता है, पर इतना आता है कि हाँ हम आराम से इधर उधर जा सकें, ठीक ठाक हमको दिखता है, इतना आता है। अभी यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने प्रेस करने थे, यहाँ पर मैं ले आई थी, सोचा कि चलो सुबह में ही निपटा रही हूँ मैं इस काम को भी, क्योंकि देखो लाइट का ज़रूरी तो है नहीं कि दोपहर को कितनी देर तक आए, कब आए, और हमारा मन जब हो या ना हो, सोचा कि चलो इस काम को भी निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में जो भी काम निपट जाता है ना वो बहुत बढ़िया रहता है, और जो काम रह जाते हैं ना वो फिर रह ही जाते हैं। तो ये अनुष्का के सूट हैं जो कि इसकी सूट पर फिटिंग की थी एक पर, तो मैं उसी को ना यहाँ पर प्रेस कर रही थी, फिर साथ में दूसरा भी कर रही हूँ क्योंकि दूसरा भी निकाला था तो उसकी भी तह वगैरह खुली थी, तो उसको भी फिर उसकी भी प्रेस, उस पर भी प्रेस करनी पड़ेगी, तो वो सब कर लिए हैं। और अभी यहाँ पर मैंने कर दी है इनकी तह, जो भी कपड़े थे उन सब की तह हो गई है। और अभी यहाँ पर जो कुछ मेरे कपड़े हैं, मेरे सूट हैं, वो भी मैं ले आई थी, और जो डेली मैं पहनने वाले हैं वो भी, क्योंकि अभी नहाऊंगी तो एक जोड़ी तो अभी चाहिएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो सूटों पर अपने पर भी कर लेते हैं, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, सबके लिए काम कर लेंगे जब अपनी बारी आएगी तो वो चीज़ें रह जाती हैं, सोचा कि आज रहने नहीं देते हैं, कर ही लेते हैं। तो अभी मैं प्रेस करने लगी हूँ, और पहले तो लाइट ना एक बार बीच में चली गई थी जब मैं प्रेस कर रही थी, तो जैसे ही मैंने अपनी एक ही कुर्ती पर हुई थी तभी लाइट चली गई थी, मैंने यहाँ से प्रेस भी निकाल दी थी और मैं सामान इकट्ठा ही कर रही थी, तुरंत की तुरंत फिर लाइट आ गई, सोचा कि चलो आ गई है तो फिर कर ही लेते हैं। फिर दोबारा से मैंने प्रेस लगाई और फिर से मैंने प्रेस को करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर बैठकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रेस करना, इस तरह से बैठ करके आराम से कर लेती हूँ, चाहे मुझसे कितने ही कपड़ों पर करा लो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। तो अभी यहाँ पर कुछ कपड़ों पर हो गई है, और जो कुछ कपड़े रह गए उन पर भी कर दूँगी, सभी कपड़ों पर कर दूँगी, और ये काम भी निपटाऊँगी, यहाँ से ये काम ख़त्म करूँगी, फिर बाकी के आगे के काम देखूँगी जो और हैं। क्योंकि ना जब मैं प्रेस करती हूँ तो मुझे ये रहता है कि मैं सुबह से ही लग जाऊँ, मैंने चाय बनाने से पहले ही लग गई थी आकर के, और अनुष्का के पापा जी सो करके आए, वो देख रहे थे कि मैं कहाँ पर चली गई, तो वो इधर रूम में गए, उधर गए, फिर वॉशरूम की तरफ भी गए, और जब वो इस रूम में आए तो देखा मैं प्रेस कर रही हूँ, बोल रहे थे कि मैं तो पूरे घर में घूम करके आया हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं प्रेस कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे रहता है अगर मुझे प्रेस करनी है तो मैं सुबह में उठकर जल्दी से ही प्रेस लगा देती हूँ, और जब ये उठते हैं, जब इनके लिए सब अनुष्का के लिए इनके लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि अनुष्का अगर स्कूल जाती है तब तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि फिर तो मुझे अनुष्का का ही रहता है, और आज अनुष्का स्कूल नहीं जाएगी, उसकी छुट्टी है, तो मैंने सुबह, मैंने रात में ही ना ये वो कर लिया था कि मैं सुबह में जल्दी ही प्रेस कर लूँगी, जल्दी ही लग जाऊँगी, क्योंकि दो दिन प्रेस अगर नहीं किया तो तीसरे दिन कपड़ों का जो वो है ना पूरा इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, अनुष्का की ड्रेस, इसके पापा जी के कपड़े, मेरा तो क्या है, मुझे तो टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, कभी कभी रह भी जाते हैं। तो अभी यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि जो डस्टिंग थी वो कर दी है, फ़ैन को बंद कर दिया था क्योंकि फ़ैन चला रखा था मैंने डस्टिंग कर रही थी जब, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने फ़ैन चला लिया था, और जब झाड़ू लगाएंगे तो फिर फ़ैन को बंद तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर जो कचरा होता है ना वो इधर उधर जाता है, तो इसलिए फ़ैन को तो कर दिया है बंद, और मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो अभी झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, और इसी रूम से फिर मैंने झाड़ू भी लगाना शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं है कि मैंने और चारों तरफ लगा लिया है, मैंने सोचा कि चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, तो यहीं से मैंने शुरू कर दी है, और अभी इस रूम की डस्टिंग झाड़ू दोनों हो गई हैं, और अभी जाऊंगी मैं जो और बाकी के रूम रह गए हैं हमारे उसमें उनको करने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि झाड़ू मैंने लगा ली है, पोचा भी मैंने लगा लिया है, ये सारे काम ख़त्म मैंने कर लिए हैं, उसके बाद इधर आ गई मैं किचन में, फ़ैन चला रखा है, बाल कल धुले थे ना तो अभी ना बाल मैंने चोटी नहीं की थी, ऐसे ही जूड़ा ही बना रखा था, सोचा कि चलो इनको भी अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर नीचे आएंगे बार बार फिर लगेगी गर्मी, और गर्मी बालों से बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज मैंने सोचा कि ना मेरा मन था कि मैं किचन की साफ़ सफ़ाई करूँ, फिर क्या है कि जो भी हम कोई भी साफ़ सफ़ाई करते हैं उसके बाद ना हमें आगे जो और काम रहते हैं उनको करना फिर बड़ा मुश्किल रहता है, थक जाते हैं साफ़ सफ़ाई करते हुए, तो सोचा कि पहले कर लेती हूँ मैं घर का काम ख़त्म, उसके बाद साफ़ सफ़ाई कर लूँगी जो, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं सामान कि पूरे घर में फैलेगा, ये तो किचन किचन में ही रहेगा, तो किचन में मैं झाड़ू लगा दूँगी दोबारा से, या पोछा की ज़रूरत पड़ेगी, पोछा वैसे मैंने अभी लगा दिया है, अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं पोछा भी लगाऊँगी।
तो वैसे मैंने पूरा काम अपना घर का ख़त्म कर लिया है, अब मुझे कोई काम नहीं। और पता नहीं हमने चाय की पत्ती भी कितनी मंगवा ली होगी, देखिए कितने डब्बे चाय की पत्ती के हैं। कुछ डब्बे तो इनमें से इधर उधर भी हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए मैं अभी देख रही हूँ वीडियो में, तब तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं वीडियो में देख रही हूँ कि हमने इतनी चाय की पत्ती मंगवा ली और अभी तो चाय की पत्ती के डब्बे निकले ही जा रहे हैं। डब्बे भी पता नहीं किचन में कितने ख़त्म हो, कितने हो जाते हैं, कितने डब्बे हैं आप देख सकते हो। और लग रहा है कि इस कोने में से मैं इतने डब्बे कहाँ से निकाल रही हूँ, है ना। लेकिन चीज़ें देखिए अभी तो चाय की पत्ती के ही डब्बे आए जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं चीज़ों को देख भी रही थी, इसमें रखी हुई थी मिश्री, मैंने देखा खा करके थोड़ा सा ठीक ठाक थी, रख दी है। अभी यहाँ पर मैं सभी सामानों को चेक करूँगी, किचन की सफाई करना इतना भी आसान नहीं है। सारी चीज़ों को चेक करना, सुखाना, रखना, साफ़ करना, ये चीज़ें ही चल रही हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैंने ना ये सभी डब्बे निकाल लिए हैं और फिर मैं इनकी करूँगी साफ़ सफाई अच्छे से, जितने भी डब्बे हैं इनको मांजूंगी, साफ़ करूंगी। काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि डब्बे देख करके आप समझ सकते हो क्योंकि टाइम तो लगना ही लगना है। कुछ डब्बे खाली भी हैं इनमें, ऐसा नहीं है खाली भी डब्बे में, और गिनती में करें तो कम से कम 50 डब्बे तो देख कर भी आप समझ सकते हो कि बैठ ही जाएंगे छोटे बड़े। तो अभी यहाँ पर इधर की साइड देख रही हूँ मैं कि इधर क्या क्या सामान मुझे निकालना है, क्या क्या नहीं निकालना है। इधर ये इस तरह के डब्बे भी निकले हैं जो कि मैंने इधर की साइड रख दिए हैं। दूध चलानी मशीन है, मतलब कि मट्ठा चलानी, छाछ चलानी, जो भी आप बोलते हो, वो मशीन भी रखी हुई है, वो भी मैंने बाहर निकाली है। अभी सिलेंडर को ना थोड़ा सा इधर उधर करूँगी जिससे कि इनके नीचे से कचरा वगैरह निकल जाए, क्योंकि जब सफाई कर रहे हैं तो अच्छे से हो। तो अभी यहाँ पर ये सामान निकालूंगी, जितने भी सामान हैं सभी को बाहर निकाल लूँगी और अच्छे से सफाई कर लूँगी। और इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी, मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।